भाई साहब बहुत दुखी है, अभी बोलते जाएंगे तो गाड़ी गाड़ी छोड़ दीजिएगा ना। पक्का, ये अमित शाह ही सबकी गाड़ी चलाएगा और सबके घर में खाना देगा। मालूम है, हाँ मालूम है। गाड़ी चलाइएगा, बहुत नाराज है, इससे नहीं चलाएंगे गाड़ी। नहीं चलाइएगा, नहीं चलाएंगे। देखिए मास्ट का मीट, ये प्याज वाज पूरा पानी पानी हो गया है। देखिए मालूम मीट पूरा हड्डी छोड़ दिया है, मस्त सज गया है। किसी का भाला हो सके, हमारा लड़का एक इंडियन नेवी में ड्यूटी कर रहा है। नमस्ते भैया लोग, कैसे आप सभी? आप सभी भाइयों को हमारे न्यू व्लॉग में फिर से स्वागत है। और आपका भाई है नंदूर सिंगोटे मंडी में। तो अभी टाइम बज गया है 9 और अभी तक लेबर उबर भैया लोग आए नहीं है, आएंगे 10-11 बजे आएंगे। जब तक आपका भाई मुँह हाथ धो लेते हैं, फ्रेश हो जाते, जाके नाश्ता कर लेते हैं, फिर लेबर भाई लोग आएंगे तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा फिर सब्जी उब्जी भी ले लेंगे रास्ता के लिए, क्योंकि रास्ता में उधर कुछ मिलने वाला है नहीं, तो यहीं पर सब ले लेंगे। ले बोलो चलते हैं, मुँह फ्रेश होने, मुँह हाथ धोकर आते हैं, फिर जाके नाश्ता करते हैं। और भाई के साथ बने रहिए। अभी टाइम बज गया है 10:30 अभी, और मैं अभी कॉल किया है जो यहाँ के सेठ जी है, तो बोले है आप रेडी रहिए, मैं लेबर लोग जाएगा तो लोडिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो आपका भाई देखिए सेवई बचा हुआ है, खा लेते हैं। बहुत गर्म है जी, बड़ा पाव। अभी टाइम बज गया है 3:30 और जब से मैं वेट कर रहा हूँ, अब आएंगे पार्टी, अब लोड करेंगे भाई लोग, और ठड़ा ही खाना भी नहीं बना है, इसका चक्कर है। मुझे बोल देते भाई टाइम लगेगा, क्या होगा नहीं होगा, बोलते भी नहीं है ना, तो क्या करे, खाना भी नहीं बना। अभी टाइम बज गया है 3:30 तो भूख लग गया जी, तो जाकर देखते हैं मिक्सर पाव मिलेगा तो भी जाकर खाते हैं। आपका भाई आ गया है, खाकर वही खाया है चावल राइस और खाया है बड़ा पाव। तो फिर मैं लस्सी ले लिया हूँ, एक आंटी जी का मिठाई दुकान है, दही नहीं था, लस्सी ले लिए, एकदम बहुत सुंदर है जी, ओरिजिनल लस्सी है, देसी लोकल, तो घर के बना हुआ लस्सी है, उसलिए ले लिए, मज़ा आ रहा है पीने में। हेलो भाई लो, अभी भाई साहब का अभी लूट किए दिल्ली का, भाई साहब बहुत दुखी है, अभी बोलते जाएंगे तो गाड़ी छोड़ दीजिएगा ना। पक्का, हम हैं जिला उत्तर प्रदेश हापुड़ से, और कोई अगर हम रात दिन भी चूतड़ घिसते हैं 20,000 की तनख्वाह में, जब 8,000 देते में भी किलकिल करता है नहीं, तो ड्राइवर लोग ये 12,000 कहाँ से लाएगा, 10 लाख कहाँ से लाएगा, 10 साल की सजा कहाँ से भरेगा, रोड पे गाड़ी चलेगा, इसका कौन जिम्मेवारी लेगा, एक्सीडेंट तो होगा ही। और होगा ही, अभी बाइक वाला सब है ऐसा गाड़ी चलाता है, ऐसा जब कट मारता लहरिया गाड़ी के सामने से ऐसे कट मारता है, इतना गुस्सा आता है उतर के चार थप्पड़। कार वाला दब देने घुस जाता है, उसको कोई ब्लेम नहीं, कार बाइक वाला एकदम आके घुस, ये अमित शाह ही सबकी गाड़ी चलाएगा और सबके घर में खाना देगा। 10 दिन ड्राइवर स्ट्राइक कर दे तो क्या नाम है तुम्हारे, पूरी गवर्नमेंट के घुटने रोड पर आ जाएंगे, जब इधर का माल उधर नहीं जाएगा, उधर का इधर नहीं आएगा। इधर आइए ड्राइवर साहब, कहाँ के माल भर रहे हैं भाई? फरीदाबाद का भर रहे हैं, हरियाणा का। अभी गुस्सा आएगा आपको, मालूम है? हाँ मालूम है। गाड़ी चलाइएगा, बहुत नाराज है, इससे नहीं चलाएंगे गाड़ी, नहीं चलाएंगे। 10 साल की सजा है, हाँ मालूम है। हाँ तो भाई लोग पार्टी तो नहीं है, लेबर भाई लोग है, तो बोले है कि आज तो नहीं होगा क्योंकि 10-20 बोरा कम रहा है, नहीं है भाई पैसे नहीं है, तो भाई लोग बोले है सुबह आपका लोड करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा माल कम रहा है। चलो ठीक है,
जाते हैं थोड़ा सा देखते हैं बाजार में मटर मिलेगा तो आज मटर बनाएंगे जी। चलिए भाई साथ बने रहिए, गाड़ी कल से बुला के खड़ा कर रखे हैं भाई। अरे तुम्हारा माली ऐसा है तो क्या करेंगे हम सब दोस्त लोग का। पहले कब जानते हैं मेरे को? अरे बहुत दिनों से जानते हैं यार, कभी भी आएंगे तो हमारे पास ही आता है भरने के लिए। कैसा भाई है? अरे बहुत अच्छा है। अच्छा आपका भाई अभी बाजार गए थे, मटर मिल गया जी। देखिए आपका भाई मटर लेकर आया है 500 ग्राम, तो यहाँ पर दिए है 640 रुपए के जी। देखते खोखी हो रहा है जी। देखिए मास्ट का मीट, चलो उसको साफ से धोते हैं अच्छा से। मटन तो ठीक लग रहा है आपका भाई, चावल बना लिया है, अब बनाते हैं मटन। तो आज मटन बनाऊंगा कुकर में, बहुत दिनों के बाद आज मैं बना रहा हूँ, तो जल्दीबाजी में कुकर में बना लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का मीट ना जल्दी जल्दी वो सिस्टा नहीं है, तो सीजने में उसको टाइम लगता है, इसलिए कुकर में बना रहा हूँ। तो कुकर गर्म हो गया है, डालते हैं तेल। देखिए आपका भाई कैसे बनाता है। इसमें डालेंगे अभी सबसे पहले गोटा मसाला, तो दालचीनी है, लौंग, इलायची 5 गो। ये क्या है? ये फूल के पत्ता है। तो गुलाब, तेल गर्म हो गया पूरा, देखिए पूरा धाम मार रहा है। डालते इसमें साबुत मसाला, देखिए यही है, ये गया। 2 लहसुन है, लहसुन बहुत महंगा है। तो खाना तो पड़ेगा ना। हाँ भाव सब ठीक है, खाना खा लिए? ले लो लहसुन डाल दिया। डालते इसमें प्याज, ये गया प्याज, लहसुन, मिर्ची आदि। इसमें डालते हैं, अपना पास मसाला भी खत्म हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। चलिए ना ना हो जाएगा। ये हल्दी, पहले हल्दी डालते हैं। पूरा प्याज पूरा भुना गया है, पूरा ब्राउन हो गया है। इसमें अब डालते हैं मटन। देखिए आपका भाई पूरा एकदम साफ से धो दिया है। इसमें डालते हैं, ठीक है यार, थोड़ा सा इसको भुनेंगे, क्योंकि ज़्यादा भुनेंगे तो फिर जल्दी सीजेगा नहीं, चिम्मन हो जाएगा। तो हल्का सा भुनेंगे, थोड़ा देर बाद इसमें मसाला डाल देंगे। देखिए भैलो, अब गाड़ी चलाने लायक अब रहा नहीं, क्योंकि ऐसा कानून है भैया, ये हद से बाहर है। लाइसेंस का तो अब कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि 20 साल बाद एक लाइसेंस बनाए है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा अब। तो अब ड्राइवर भाई लोग, बहुत सारे ड्राइवर भाई लोग से बात की है, बोले भैया अब ड्राइवर ड्राइविंग करने लायक नहीं है अब, क्योंकि अभी के नया नया नौजवान लड़का लोग ऐसा ऐसा गाड़ी चलाते। अभी इस चक्कर में रायपुर में फॉर्चूनर वाले इतना बड़ा लोग मेरा गाड़ी के सामने आके कट मार रहा है, बताइए, फॉर्चूनर लेकर। तो ड्राइवर भाई लोग का ऐसा ड्राइवर कोई नहीं है जी, सबसे ड्राइवरी में एक नंबर होता है ट्रक के ड्राइवर, क्योंकि भाई लोग 5 साल गाड़ी में रह के वो गाड़ी सीखते है, पूरा नॉलेज लेते हैं गाड़ी कैसे चलाना है, कैसे गाड़ी को चलाना है, पूरा नॉलेज, तब गाड़ी ड्राइवर बनता है। और ऐसे क्या हुआ, छोट मुटिया लोग बाइक वाले मारुति वाले 10 दिन गाड़ी सीखे, बस रोड पे लेके गाड़ी चलाने लगेंगे, समझे, चाहते गाड़ी के सामने भिर जाते हैं। तो गलती किसका है जी, ड्राइवर की गलती है। तब पर भी कुछ भी हुआ, बड़े वाले गाड़ी वाला मार दिया है, कोई भी सामने से आगे मार लेगा, बोलेगा बड़े गाड़ी वाला ठोक दिया है, समझे। तो ऐसा होता है, तो ये कानून चलने वाला नहीं है, ना फिर ड्राइवर भी गाड़ी नहीं चलाने वाले है। अब डालते हैं मसाला को, इसमें सब मसाला डाल दिया हूँ अपना, देखिएगा इसको थोड़ा भून कर पानी डाल के ढक देंगे, 4 सीटी मारेंगे, फिर खोल के उसको अच्छा से भूनेंगे, बस मटन बन के रेडी। और भैया लो पार्टी वाले कल से गाड़ी मंगा लिए है और आज लोड नहीं किए, बोलते सुबह करेंगे, तो बताइए हमको जाना पड़ता है बोतल लेकर यहाँ से 1 किलोमीटर आगे, आप समझ गए होंगे। तो बहुत सारा समस्या है ड्राइवर भाई लोग झेलते हैं, सरकार का गाड़ी में देखने आते हैं ड्राइवर वाले
कितना कष्ट करते हैं, वो तो अपना एसी में रहते हैं, बस कानून निकाल दिए। ड्राइवर का लाइफ देखिए कैसे ड्राइवर लोग अपना वो अपना गाड़ी में कष्ट करते हैं, दिक्कतें करते हैं, बहुत चीज का सामना करते हैं, कोई ढंग से बात नहीं करता है जी। बॉर्डर में जाए बॉर्डर में रेतु करके बात करता है सब तर। कोई समझदार आदमी होते हैं जिनको नॉलेज अच्छा रहता है, वही थोड़ा प्यार से बात करते हैं, नहीं तो सब ड्राइवर भाई लोग को सही से नहीं, कोई नहीं सही से बात करता है जी। जो रोड छाप होता है वो भी आगे दो गो बात बोल देते हैं, समझे, जो मेरे सामने उनको बोलने का हैसियत नहीं है। कागज जो ड्राइवर भाई लोग मजबूर है, कुछ बोलते नहीं है, सुन लेते हैं, समझे। देखिए वालो आप लोग दिखाते हैं, ऐसे तो इसमें कम दिखेगा, कुकर है, देखिए कैसा बन रहा है, मस्त से देखिए, देखिए प्याज ज्यादा गल गया है, देखिए कैसा बन रहा है भाई लोग। अब इसमें डालते हैं पानी, अच्छा से भुना गया है, पानी डाल के चार सीटी मारेंगे, उसका बाद फिर उसको अच्छा से मसाला को भुनेंगे, भुन के पूरा एकदम पानी जला देंगे, तभी उसमें स्वाद आएगा। चलिए इसमें डालते हैं पानी और सीटी लगाते हैं। पांच सीटी मार दिया है, अब पूरा गैस बाहर आ रहा है, पूरा गम गम कर रहा है, अब एक सीटी और मारेगा, इसको उठा कर रखते हैं, खोल कर क्या स्थिति है, फिर इसको अच्छा से भुनेंगे। भैया लो मैं सोच रहा हूँ ना, हंसी भी आ रहा है जी, गायोरी छोड़ छाड़ के बकरी पोसे जी, बहुत पैसा है जी, 50 बकरी किनेंगे और जमीन बिहार में तो कमी नहीं है, और खटाल खोल लेंगे, बकरी को पोसेंगे बेचेंगे, बहुत पैसा है जी, बहुत पैसा है, कच्चा बिजनेस है, समझे। सीटी मार दिया है, अच्छा से गैस निकालते हैं। पूरा मटन पूरा भुना गया है, पूरा प्याज वाज गल गया है, मटन में हो ही गया, देखिए मस्त बना जी कुकर में, देखिए मस्त बना है, बहुत जल्दी बन गया जी, इसे आप लोगों को दिखेगा नहीं क्योंकि कुकर में है, इसको जब बाहर निकालेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा, देखिए कैसा बना है, देखिए देखते हैं पूरा दम, ये प्याज वाज पूरा पानी पानी हो गया है, देखिए आपका भाई खाना बना लिए, देखिए मटन बन गया है, हम निकालते हैं जी, अब देखिए कैसा बना है, मस्त बना है जी, वाओ, मामा को बुलाते हैं, ओ मामा आइए, उनको दे देते हैं, बोले मुझे थोड़ा सा दीजिए, खाएंगे आपको हाथों से, चलिए ठीक है, आप कैसा बनाते हैं, क्योंकि भाई ड्राइवर के हाथ से खाने के लिए निम्न निम्न आदमी लोग तरसते हैं, वो लोग जानते हैं ड्राइवर भाई लोग कैसा बनाते हैं खाना। चलिए निकालते हैं मटन को, देखिए भाई लोग मीट पूरा हड्डी छोड़ दिया है, मस्त सिज गया है, बहुत मस्त बना है जी कुकर में भी, जल्दी ही बन गया कुकर में, देखते हैं पूरा मीट पूरा हलवा हो गया, देखिए ऐसे टूट रहा है पकड़ने से ही। मस्त है रोटी, बजरे की रोटी, कौन सा रोटी है, गेहूं का, गेहूं का ये चावल ये खाते हैं, तो इनका अंकल जी के घर से खाना है ना, भगवान से ही मांगना चाहिए, किसी को बुरा नहीं सोचने का, हमारा यही तरीका है, किसी को बुरा भी नहीं करना, करो भी मत ना सोचो, कोई अच्छा उसके बारे में सोचो, किसी का भला हो सके, गलत नहीं। हमारा लड़का एक इंडियन नेवी में ड्यूटी कर रहा है, अभी नेवी में निकल आया लेकिन हो गया नहीं, वो बोलता है करने का नहीं, वो अभी डॉक्टर बनने वाला है, अच्छा MBBS बनने वाला है, जरूर बनेगा लड़का, डॉक्टर MBBS बना, पढ़ रहे अभी, हाँ लातूर में पढ़ाई कर रहे हो, एक छोटा लड़का संगमनेर में मैकेनिकल इंजीनियर में काम, वो अभी पढ़ाई चल रही है उसकी, अच्छा पढ़े रहे, बहुत अच्छा परिवार है हमारा, सबको
बुरा किसी का नहीं सोचने का, हमारा यही तरीका है। भगवान तुम्हारा भी भला करो, हमारा भी भला करो। अभी टाइम बज गया है 9:30, तो जाकर भी सोते है, वेलो करते बोलो कैंड, और भाई को इसी सपोर्ट करते रहिए, और भाई को परिसी प्यार बनाए रखिए। लव यू ऑल भाई लोग, गुड नाइट, जय हिंद।